यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख रहे हैं देश की आवाज। तेल की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेट्रोल की कीमतों में 33 पैसे प्रति लीटर की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है और डीजल की कीमतों में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर विपक्ष अब सरकार पर हमलावर हो गया है और आम लोग भी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तेल की बढ़ी कीमतों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या आप चाहते हैं कि तेल पर टैक्स कम होना चाहिए? क्या भारत में कीमतों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना सही है? क्या अमीर लोग पेट्रोल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? आप इस पर अपनी राय हमें जरूर दें। ज्यादा से ज्यादा फोन करें। देश की आवाज का ये मंच आपके लिए खुला हुआ है। फोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा फोन करके हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़िए। क्या कहे, अभी बीजेपी सरकार का ही है हाल। तो पहले था कांग्रेस सरकार तो सही था, पेट्रोल का दाम सही था थोड़ा भी। अभी ऐसा रोज दाम बढ़ रहा है, एक रुपया करके रोज बढ़ रहा है। तो अभी देखिए 100 रुपया होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पेट्रोल का। देखिए इसमें तो बड़े लोगों का तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है। तो गरीब मरना तो गरीब लोगों का ही है। जैसे हम 5-6 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, अब 2-4 किलोमीटर पैदल तो जा नहीं सकते, बस का इंतजार करें तो उधर अधिकारी की बातें सुनना पड़ेगा। पेट्रोल के रेट कम होने चाहिए क्योंकि इससे सारा बजट हमारा पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही है। कल ही 65 पैसे की वृद्धि हुई है डीजल के प्राइजेस में और पेट्रोल के भी प्राइजेस में वृद्धि हुई है आधी रात में, तो इसे कम होना चाहिए। मुझे तो सर कुछ समझ में नहीं आ रहा पेट्रोल का क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपको लगता है अभी और भी बढ़ सकता है तो फिर कैसे गुजारा चलेगा? कोई कैसे परेशानियाँ उठा रहा है? गाड़ी घोड़ा भी बंद करना पड़ेगा सर अपन को, तो भाई क्या करें, आप गरीब इंसान थोड़ी चला पाएंगे भाई, इतना महंगा हो जाएगा। तो सरकार अपने टैक्सेशन बढ़ाने के लिए या अपना इनकम सोर्स ऑफ इनकम की गवर्नमेंट या पैसा है उसके लिए सोच रही है। आम पब्लिक पिसती जा रही है, धीरे धीरे परेशान होती जा रही है, बजट उनका आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है जिससे आम जनता परेशान है और इसी को लेकर आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं देश की आवाज के कार्यक्रम के माध्यम से खबरें अभी तक, जो सवाल पूछ रहा है कि तेल की बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है, ये बड़ा सवाल है। और साथ ही कि क्या आप चाहते हैं कि टैक्स कम हो, क्या आम जनता चाहती है कि टैक्स कम हो जिससे कि रेट जो है, दाम जो है पेट्रोल डीजल की, वो कम आ सके? क्या भारत में कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना सही है या फिर क्या अमीर लोग ही सबसे ज्यादा पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं? आप इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फोन कीजिए और हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप ज्यादा से ज्यादा फोन करके हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ पहले दर्शक अमित मंडी से फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका अमित, बात रखिए अपनी। जी अमित, अपनी बात रखिए। मैम ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है एकदम जो है आसमान छू रहे हैं मैम, बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन मैम जो न्यूज चल रही है, जो खबर आ रही है कि कच्चे तेल के जो दाम है 4 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर चल रहे हैं, लेकिन मैम ये तो चलो जायज बात है, लेकिन जब जो कच्चे तेल के दाम कम होते थे तब सरकार क्यों नहीं हमें आम लोगों को राह देती? और मैम दूसरी बात यह है कि अब सरकार को सोचना होगा कि हम आम जनता कैसे ही पेट्रोल और डीजल के दामों से जो है रात पाए। और साथ ही मैम ये जो है केंद्र सरकार को सोचना होगा, टैक्स जो है कम करना होगा और साथ ही जो है स्टेट गवर्नमेंटों को भी इंस्ट्रक्शन देनी होगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है कम किए जाए। लेकिन मैम ये तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे जो है महंगाई में भी बढ़ोतरी होगी और आम लोगों को का जो जीवन है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया अनिल अपनी बात रखने के लिए। सुदर्शन हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर है हिमाचल से, स्वागत है आपका सुदर्शन, बात रखिए अपनी। हेलो जी। हाँ जी मैम, पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं, हमारे जैसे लोगों को गरीबों को बहुत परेशानी होती है। एक भाव नहीं बढ़ना चाहिए, एक कैसी गवर्नमेंट आई है जो इतना रोज पेट्रोलों के भाव बढ़ाती रहती है। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। और हमारे साथ सरजीत जो है पंजाब से अगले दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका सरजीत, बात रखिए अपनी। हाँ जी नमस्कार जी सर। जी नमस्कार।
पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए ना, गरीबों को राहत मिलेगी, ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी बहुत ज्यादा। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल पेट्रोल जो जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए ना। मोदी गवर्नमेंट ने वादा किया मैं गरीबों को राहत दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, क्या अच्छे दिन ला रहे हैं मोदी जी। बहुत शुक्रिया सरजीत अपनी बात रखने के लिए। और सही बात कही, जीएसटी के दायरे में आना चाहिए पेट्रोल डीजल को भी, हालांकि कई बार मांगी उठी है और उम्मीद यही कि जीएसटी के दायरे में अगर आएंगे तो फिर रेट जो है, दाम जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे टैक्स जो है, जिस तरह के तरह तरह टैक्स वसूले जाते हैं वो उसमें जो है कमी होगी, और इसलिए जीएसटी के दायरे में लाने की मांग भी की जा रही है। लेकिन अभी बात ये, आप अपनी राय जरूर दीजिए और बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाए, या फिर क्या आप चाहते हैं कि टैक्स कम हो जो टैक्स लगाया जाता है पेट्रोल डीजल के ऊपर, क्योंकि टैक्स में बढ़ोतरी होती है, कच्चे तेल की कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमी होती है लेकिन टैक्स जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण वो राहत जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम हुई है, उसका फायदा जनता तक नहीं पहुंच पाता है, और इसीलिए अब एक बार फिर से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। बीते दिन ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वकार हमारे साथ रोहतक से अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका वकार, बात रखिए अपने। जी बिल्कुल, देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक तो आज की जो गवर्नमेंट है ना वो सब कुछ जनता से ले लेना चाहती है जी। उसको लगता है कि जो भी पैसा आ रहा है ना, जो सरकार के लिए जो भी आए वो सब जनता भरे जी, अमीर गरीब से सब टैक्स इधर उधर का सारा टैक्स भर भरा के। आज 77 रुपए प्रति बैरल है कच्चे तेल की कीमत, कांग्रेस की गवर्नमेंट में 77 रुपए प्रति बैरल था, आज 107 हो गया है, उल्टा हो गया है, मतलब 107 रुपए कांग्रेस के टाइम पे था और 77 रुपए बीजेपी के टाइम पे है प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय कीमत तेल की, ये है जी। और आप देखिए कि कांग्रेस के टाइम पे इससे कम से कम 15 रुपए सस्ता पेट्रोल था, उसके बावजूद भी इतना कम प्राइस पे इनको मिल रहा है, हमसे कम प्राइस पे ये लोग श्रीलंका को तेल देते हैं जी, लेकिन अपने देश में उस उतने रेट से ये लोग नहीं देते, क्योंकि कुछ राज्य सरकारें लगा देती है टैक्स, कुछ ये अपना टैक्स लगा देते हैं, जीएसटी लागू किया उसमें अब पेट्रोल पे और डीजल को नहीं रखा। हाँ। ये सारी चीजें हैं। अब कुल मिलाकर बात यह है कि गवर्नमेंट जो भी पैसा है वो जनता से ले लेना चाहती है, आपकी आधी कमाई ये लोग टैक्स में ही ले लेंगे जी, इधर से टैक्स उधर से टैक्स सारे टैक्स में लगा के आपका आधी कमाई ले जाएंगे, आम जनता की जेब पर जो इसका भार पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया वगैरह अपनी बात रखने के लिए। ललित हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका ललित, बात रखिए अपनी। हाँ जी मैडम, ये आपका जो आज टॉपिक है बहुत बढ़िया लिया आपने, सच में महंगाई बहुत हो गई है। मैडम हमने तो कांग्रेस का अल्टरनेटिव निकाला था बीजेपी, अब हमें समझ नहीं आ रहा जी बीजेपी का अल्टरनेटिव हम क्या निकालने की। हाँ। मतलब हमने तो अच्छे दिन सोचा था भाई अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये जो कर्नाटका की जो इनकी सरकार नहीं बन पाई उसका ये गुस्सा आम जनता पे थोड़ी निकालेंगे जी। है मैडम बताइए जी, आप हम पाकिस्तान को चीनी बेच रहे हैं जी हमारे भारत से, हमें यहाँ 45 रुपए 50 रुपए किलो मिल रही है, तेल हम श्रीलंका को दे रहे हैं, हमें तेल यहाँ पे क्या रेट मिल रहा है, पता नहीं मैडम ये सरकार की मंशा क्या है। हाँ। ये कैसे देश को चलाना चाहते हैं, ये क्या मंदिर गऊ माता, ये क्या राजनीति कर रही है देश का ध्रुवी, पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हम बीजेपी का अल्टरनेटिव क्या ढूंढे मैडम बताइए आप। बहुत शुक्रिया ललित अपनी बात रखने के लिए। तो बीजेपी का भी अल्टरनेटिव अब जो है, बीजेपी का विकल्प तराशने में जनता जुट गई है, क्योंकि महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र की सत्ता में बीजेपी स्थापित हुई थी, लेकिन इसके बाद भी महंगाई लगातार बढ़ रही है। और चंडीगढ़ से हमारे दर्शक राजेंद्र फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका राजेंद्र, बात रखिए अपनी। देखो जो वीआईपी के साथ 8-8, 10-10, 15-15 गाड़ियां चलती है, इनको कम जाए एक ही वीआईपी के साथ 10-15 गाड़ियां चलती है इनको कम किया जाए, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा डीजल के उसमें खपत में। और फिर दूसरा गरीब आदमी के लिए भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आजकल सभी आदमी जो है कोशिश करते हैं कोई पैदल कोई नहीं चलता, उनके सारे के पास व्हीकल उनका अपना, वो करना बड़ा मुश्किल होता है मेंटेन करना। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। जगदीश हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका जगदीश, बात रखिए अपनी। हाँ सर जी, मैं ये बोल रहा था, आम आदमी किसान है, ट्यूबवेल का है, थ्री व्हीलर है, छोटे व्हीकल है, ये गरीब आदमी पर ज्यादा लोड हो रहा है, तो जीएसटी इस पर लागू होना चाहिए जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपने बात रखने के लिए जगदीश। रेखा हमारे साथ गुरुग्राम से अगली दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका रेखा, बात रखिए अपनी। रेखा आवाज मिल पा रही है आपको? जी हाँ जी बिल्कुल जी, बात रखिए अपनी। रेखा कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं आप, बात रखिए अपनी। चलिए आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है जी, एक बार रेखा एक बार फिर से फोन जो है करने का प्रयास कीजिए। बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आप कॉल कीजिए।
तो आप सभी दर्शक हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप ज्यादा से ज्यादा फोन करें, हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में और बताएं आपको कैसे जो है इसका असर आपके ऊपर किस तरह से हो रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि जो हुई है। सुरेंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से, अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत आपका सुरेंद्र, बात रखिए अपनी। हेलो जी सुरेंद्र, बात रखिए अपनी। मैडम ये जो पेट्रोल डीजल की पहले जब कीमत थी कांग्रेस राज में, तब इन लोगों ने इतना हल्ला मचाया था और अब इतनी ज्यादा कीमत होगी, लेकिन ये मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही। आम आदमी पिस रहा है इसमें, आम आदमी की जेब काट रहे हैं, इन्होंने अपना खजाना बनाया जी। चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। रेखा हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका रेखा, बात रखिए अपनी। हाँ जी मैम, मेरा ये कहना है कि जब मोदी जी ने सुना था, मोदी जी ने एक वहाँ से दुबई से कुआं खरीद लिया पेट्रोल का, तो वो पेट्रोल कहाँ जा रहा है? मोदी जी की सिर्फ अपनी गाड़ियों के लिए या अपनी फ्लाइटों के लिए? जी चलिए बहुत शुक्रिया रेखा अपनी बात रखने के लिए। सवाल पूछा गया रेखा की ओर से कि आखिर पेट्रोल जो खरीदा गया था वो किसके लिए खरीदा गया था, और क्योंकि आम जनता को तो राहत नहीं मिल रही है और ऐसे में अब एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में जो वृद्धि हुई है, आम जनता की जेब पर इसका भार जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि 2013 में जब कांग्रेस सरकार थी, 2013 में भी 76 रुपए के करीब जो है पेट्रोल के दाम पहुंचे थे और अब एक बार फिर से जो है उच्चतम स्तर पर पेट्रोल के रेट आ गए हैं। 76 रुपए 55 पैसे पेट्रोल मिल रहा है और देश के 5 ऐसे शहर हैं जहां पर 80 रुपए से ज्यादा का रेट जो है वो पेट्रोल का हो गया है। 80 रुपए से ज्यादा जो है प्रति लीटर का अभाव जो है जनता को देना पड़ रहा है। हर्ष हमारे साथ सिरसा से, अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका हर्ष, बात रखिए अपनी। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, एक्चुअली जो भी प्रॉब्लम आ रही है, रेट बढ़ रहा है, उसके लिए स्पष्ट तौर पे केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जब केंद्र में सरकार नहीं थी बीजेपी की, तो सुषमा जी कहती थी कि जब सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ाती है तो इसके लिए सरकार का और प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, तो आज वो किसकी गरिमा गिर रही है इसके जवाब जनता से ही मांगा जाए। जी चलिए बहुत शुक्रिया हर्ष अपनी बात रखने के लिए। तो सुषमा स्वराज की जो बात है वो याद दिलाई जा रही है। अनुमान हमारे साथ पानीपत से, अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार मैडम जी, प्रधानमंत्री जी जब कांग्रेस की सरकार थी, जब बड़े लक्ष्यदार बातें कहते थे, बड़ी बोगियों में झोटों में बैलगाड़ियों में बैठ के यात्रा करते थे पेट्रोल के बाबत, आज ये क्यों चुप है? जी आज देश के ये हालात हो रहे हैं, आज क्यों नहीं रेट को कम करते पेट्रोल डीजल को? जी इससे महंगाई कहाँ तक जाएगी? किसान पहले ही मर चुके हैं, अब डीजल के रेट बढ़ने से किसान और बर्बाद हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अनुमान अपनी बात रखने के लिए। तो किसानों के ऊपर जो है इसका भार जाहिर तौर पर पड़ रहा है, क्योंकि डीजल का इस्तेमाल जो है किसान काफी करते हैं और ऐसे में अगर डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो किसानों के ऊपर जो है इसका भार और बढ़ने वाला है, और इसीलिए अब अच्छे दिन की को याद एक बार फिर से दिलाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वायदे को भी याद दिलाया जा रहा है जिसमें महंगाई पर काबू करने की बात जो है उन्होंने कही गई थी। महंगाई के मुद्दे पर 2014 के चुनाव लड़े गए थे और उसके बाद भी महंगाई जो है उस पर लगाम नहीं लगी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं और एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है। और इसी बीच मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी हमारे दर्शक फोन लाइन पर है, स्वागत है आपका नागेंद्र सिंह नेगी, बात रखिए अपनी। मैडम नमस्कार जी। जी नमस्कार मैडम, हिमाचल प्रदेश के सरकार राज से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम पेट्रोल तो एक ऐसी आइटम है जिसका की रेट बढ़ने से हर चीज की का रेट बढ़ता है जी। और ये जीएसटी के जब लागू किया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था अरुण जेटली जी ने कि एक देश एक टैक्स, जब रेट ही पेट्रोल के बॉम्बे में 85 रुपए और हिमाचल प्रदेश में 75 रुपए होगा तो कहाँ से रेट एक आएगा जी? ये तो कर्नाटक के। बहुत शुक्रिया नागेंद्र सिंह नेगी अपनी बात रखने के लिए। जीएसटी के दायरे में अभी पेट्रोल डीजल को नहीं लाया गया है। दिनेश हमारे साथ सिरसा से, अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका दिनेश, बात रखिए अपनी। हेलो जी। हाँ जी मैं दिनेश मेहता बोल रहा हूँ मैडम। जी बात रखिए अपनी। मैडम क्या यही अच्छे दिन है जिसके इंतजार कर रहे थे? चलिए बहुत शुक्रिया दिनेश अपनी बात रखने के लिए। बहुत सही यहाँ पर जो है सवाल है दिनेश की ओर से पूछा गया कि क्या यही अच्छे दिन है जिसका सपना दिखाया गया था, जिसका इंतजार जो है पूरा देश कर रहा था, क्योंकि महंगाई जो है वो उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है, पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर से आम जनता बीजेपी को अच्छे दिनों की याद दिला रही है। अशोक हमारे साथ हिसार से, अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका अशोक, बात रखिए अपनी। नमस्कार मैम, मैं कहना चाहता हूँ जब से 2014 से मोदी की सरकार आई, कभी ये तेल बढ़ाते हैं, कभी कुछ बढ़ा देते हैं, कभी कुछ बढ़ाते हैं, इन्होंने आम जनता के लिए तो सोचा तक जी। इस संसार में मतलब आप ये मान लीजिए, इन्होंने जब कहीं भी चुनाव होते हैं
जब महीने तक के लिए कोई चीज का रेट बताते नहीं है, चुनाव पर उनके लगेर आने के बाद में चाहे इनकी सरकार आओ चाहे इनकी सरकार ना हो उसके बाद में। बहुत शुक्रिया आपने बात रखने के लिए। और जो बात कही कि चुनाव आते हैं तो दाम नहीं बढ़ाते हैं, और ऐसा ही हुआ कर्नाटक चुनाव के समय पर दाम नहीं बढ़ाए गए और अभी जो दाम है एक बार फिर से वृद्धि की जा रही है। एमके मिश्रा हमारे साथ चंडीगढ़ से फोन लाइन पर हैं। अगले दर्शक स्वागत है आपका, एमके मिश्रा बात रखिए अपनी। हेलो जी। हाँ मैडम, जो ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं जी, जो ईरान के साथ तो जो प्रॉब्लम आ रही है जहाँ से हमारा तेल आ रहा है वहाँ कॉस्ट बढ़ रही है, वो तो बात ठीक है। हाँ। तो ये अपने टैक्सेस तो कम कर सकते हैं। बिल्कुल, टैक्स जो है उसे कम किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया एमके मिश्रा अपनी बात रखने के लिए। सुरेंद्र हमारे साथ जीन से, अगले दर्शक फोन लाइन पर स्वागत है आपका। सुरेंद्र बात रखिए अपनी। हाँ नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। हमारे को ये भी पता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कच्ची कीमतों का बढ़ना बहुत बुरी खबर है, इसलिए हम यही मोदी जी से उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी इसको जीएसटी के दायरे में लाएं और जनता को बड़ी राहत दें। जी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो जीएसटी में दायरे में, जीएसटी के दायरे में लाने की बात जो है वो कही जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो जीएसटी के दायरे में लाए जाए, तभी जनता को राहत मिलेगी। एक देश एक टैक्स जो है इसके ऊपर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि देश के 5 ऐसे शहर हैं जहां पर 80 से ज्यादा कीमत जो है पेट्रोल की पहुंच चुकी है, और अभी भी 76.55 रुपए जो है बाकी देश में कई जगहों पर जो है ये नए दाम जो है वो लागू हुए हैं कल रेट बढ़ने के बाद से, और ऐसे में आम जनता की जेब पर इसका भार पड़ रहा है। तरह तरह के टैक्स जो है वो इम्पोज किए जाते हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर, जिससे आम जनता की जेब पर जो है भार इसका पड़ रहा है। और अभी पेट्रोल के दाम जो है वो उच्च स्तर पर है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। तो आप सभी दर्शक हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ सकते हैं, अपनी बात रखिए, ज्यादा से ज्यादा फोन कीजिए, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर आप ज्यादा से ज्यादा फोन करके हमें बताएं कि आप भी चाहते हैं कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाया जाए, क्या टैक्स जो है उसमें कटौती की जाए सरकार की ओर से, ये मांग आप भी करना चाहते हैं, या फिर क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ अमीर लोग ही पेट्रोल का इस्तेमाल करने के लिए रह गए हैं, क्योंकि जो रेट है वो इस तरह से बढ़ रहे हैं कि गरीबों की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। एमके मिश्रा हमारे साथ दर्शक चंडीगढ़ से एक बार फिर से फोन लाइन पर हैं। स्वागत है आपका, बात रखिए अपनी। बात को बात करूं जी, कितनी देर बाद? एमके मिश्रा जी बात रखिए अपनी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप। हाँ मैं ये बात कहने जा रहा था, पहले तो गवर्नमेंट को जीएसटी के अंदर लाना चाहिए पेट्रोल डीजल, ताकि कीमतें कम हो जी। और प्रोडक्शन जो का कॉस्ट या क्या कहते हैं टैक्सेस हैं वो कम करें, इंटरनेशनल मार्केट में यदि कॉस्ट बढ़ेगी तो अपने टैक्सेस कम करें जी, क्योंकि गवर्नमेंट को ये सबसे आसान काम लगता है, पैसा इकट्ठा करने का साधन टैक्सेस का जी। चलिए बहुत शुक्रिया एमके मिश्रा जी अपनी बात रखने के लिए। तो जीएसटी के दायरे में लाए, टैक्स कम हो, जो है एक बार फिर से सरकार को उनके वायदे भी याद दिलाए जा रहे हैं। हमारे साथ प्रवेश फोन लाइन पर हैं, स्वागत है आपका प्रवेश, बात रखिए अपनी। हेलो जी, मैडम जी प्रवेश बात रखिए अपनी। हाँ मैडम जी, अगर मंत्रियों को ऐसा लगाया जाए तो उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, क्या जो गरीब जनता जो पैसे में पिस रही है पेट्रोल के रेट में, खाने पीने के सभी कामों में जी, तो मंत्रियों को तो जो सेंटर का है उस पर तो कंट्री उस पर तो फ्री मिलता है सभी खाने पीने के लिए। हाँ। मोदी सरकार को चाहिए जैसे जीए गैस के सिलेंडर पे लगाई है उन्होंने, ऐसे इनके भी कम करना चाहिए ना जी। चलिए बहुत शुक्रिया प्रवेश अपनी बात रखने के लिए। तो यहाँ पर सरकार से मांग की जा रही है कुछ ख्याल जो है जनता का भी अब किया जाए मोदी सरकार की ओर से। निखिल हिसार से हमारे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर स्वागत है आपका, निखिल बात रखिए अपनी। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैडम, मुझे ये लगता है कि ये अंबानी अडानी को बेनिफिट दिया जा रहा है, बहुत तगड़ा स्कैम है ये, गरीबों की कमर तोड़ी जा रही मुझे लगता है ये जी। चलिए बहुत शुक्रिया निखिल अपनी बात रखने के लिए। केसी प्रसाद हमारे साथ बिहार से अगले दर्शक फोन लाइन पर स्वागत है आपका, केसी प्रसाद बात रखिए अपनी। केसी प्रसाद आवाज मिल पा रही है आपको? केसी प्रसाद आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिए आप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, और इन नंबर्स पर आप ज्यादा से ज्यादा फोन करें, देश की आवाज का ये मंच आप ही के लिए है। ज्यादा से ज्यादा फोन करके हमें बताएं कि आप चाहते हैं कि टैक्स जो है वो कम किया जाए, क्योंकि ज्यादातर दर्शक जो फोन कर रहे हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि जीएसटी के दायरे में या तो पेट्रोल डीजल को अब लाया जाए, या फिर टैक्स जो है वो कम से कम सरकार को अब कम करने चाहिए। आरके कालिया हमारे साथ अंबाला से अगले दर्शक फोन लाइन पर स्वागत है आपका, आरके कालिया बात रखे अपनी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए जनता पहले ही महंगाई की मार से पिस रही है जी, सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती जी,
सारे के सारे जो उच्च अधिकारी हैं वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। कम से कम इन राजनेताओं को संज्ञान लेना चाहिए, आम आदमी के बारे में चिंता करनी चाहिए जी, क्योंकि इनकी जेब पे तो कोई खर्च पड़ता नहीं, इनकी जेब पे तो कोई बोझ पड़ता नहीं जी। जब इनको खुद खर्च करना पड़े, उनकी गाड़ियां चलती हैं दर्जनों के हिसाब से, काफलों में इनकी गाड़ियां चलती हैं जी। जब ये अपनी जेब से उसमें तेल डलवाएं तब इनको पता चले भी महंगाई की मार कैसी मार है। बहुत शुक्रिया आर के कालिया अपनी बात रखने के लिए। ऋषभ जैन हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर, अगले दर्शक स्वागत है आपका। ऋषभ बात रखिए अपनी। मैडम ऐसा है 2014 में जो टैक्सी जो वैट थे वही वापिस आ गए तो भी रेट में बहुत फर्क पड़ेगा। जो बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टेट में वैट बढ़ाए हैं 2014 के बाद, जब पेट्रोल प्राइसेज के प्राइसेज कम थे, इसको कम ऑन दैट लेवल बहुत शुक्रिया ऋषभ अपनी बात रखने के लिए। तो वैट में कमी की बात जो है ऋषभ की ओर से कही जा रही है। आप क्या कुछ मांग तक करते हैं? पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं इसको कैसे कम किया जा सकता है? आप जरूर फोन कीजिए। संदीप हमारे साथ रोहतक से, अगले दर्शक फोन लाइन पर, स्वागत है आपका। संदीप बात रखिए अपनी। मैम ऐसा है की मतलब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो इसके अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत बहुत ज्यादा थी जी। मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं करूंगा यहाँ पे, पर मैं इतना कह रहा हूँ उस टाइम पे बड़ा हम हो अल्लाह बीजेपी वाले बना रहे बनाते थे जी। इतना रेट हो गया, इतना रेट हो गया, इतना रेट बढ़ा दिया। आज इनकी खुद की सरकार है तो आज इनकी सरकार में $40 प्रति बैरल तेल का रेट रहा है तो उस टाइम इन्होंने कोई कम नहीं किया। अभी भी मतलब थोड़ा सा तेज हुआ तो अभी भी कुछ राहत नहीं दे रही, तो ये हावला मचाती है पार्टियां की, मतलब आम आदमी को देखते हैं जी। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ इससे मुद्दे से हटके है, हमने मैं किसान हूँ और हमने किसान बीमा योजना के तहत हमने अपना फसल का बीमा करवाया था जी। तो उसमें हेलो जी, चलिए बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। युधिष्ठिर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, अगले दर्शक स्वागत है आपका। युधिष्ठिर बात रखिए अपनी। हाँ जी नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। ये तेजी के कारण मैं जैसे मोमबत्ती सप्लाई का काम करता हूँ तो हमारी मोमबत्ती के रेट तक तेज बढ़ गई है, महंगाई कहाँ रुकेगी जाकर जी। और अब मोमबत्ती जैसे सप्लाई करते तो मोमबत्ती के रेट भी बढ़ गए, इसी कच्चे तेल से मोम बनता है तो ये महंगाई कहाँ रुकेगी जाकर ये बताओ मैडम जी। बहुत ज्यादा महंगाई अपनी बात रखने के लिए। तो महंगाई कब रुकेगी और कहाँ रुकेगी ये मांग की जा रही है दर्शकों की ओर से, और ज्यादातर दर्शक जो फोन कर रहे हैं उनकी यही मांग है कि महंगाई पर सबसे पहले काबू पाया जाए, पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं टैक्स कम किया जाए, जीएसटी के दायरे में इसको या फिर लाया जाए। और क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं आमजन की जेब पर इसका असर पड़ रहा है और इसके साथ ही किसानों को काफी इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ रहा है, किसानों के ऊपर महंगाई की मार जो है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आप सभी दर्शक हमारे साथ कॉल करके जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। देश की आवाज का ये मंच आपके लिए खुला हुआ है, ज्यादा से ज्यादा फोन करें और हमें बताएं आप क्या कुछ मांग करते हैं, सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी खबरें अभी तक के माध्यम से, देश की आवाज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप फोन करके हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में। तो पेट्रोल और डीजल के दाम उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, आसमान छू रहे हैं और ऐसे में लोगों की मांग यही है कि दाम जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे हैं इस पर अब रोक जो है सरकार को लगानी चाहिए, टैक्स कम करना चाहिए या फिर जीएसटी के दायरे में इसको लाया जाए। सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाती है, कैसे पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने के लिए प्रयास करते हैं ये देखना होगा। फिलहाल देश की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। लेकिन जाते हुए एक नजर मौसम के हाल पर।